नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम व्यूअर के बारे में। तो ड्रीम व्यूअर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ये एडोब की एक प्रोडक्ट है। जैसे एडोब की प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे कि आपने सुना होगा कि फोटोशॉप है, आफ्टर इफेक्ट है, इसी तरह ड्रीम व्यूअर भी एक एडोब की प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप उसका यूज़ क्या है, तो ड्रीम व्यूअर सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करें तो क्रिएट वेबसाइट ईजिली। मान लो कि कोई आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो या वेब ऐप क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये ड्रीम व्यूअर सॉफ्टवेयर आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको कोड या रन जो भी करना है वो आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। यानी कि आपको अलग अलग जगह पे सेव करके बाद में ब्राउज़र पे ओपन करके रन ये सब करना नहीं है। वहाँ पे आपको इजीली रहते कोड या रन दोनों साथ में ही हो गए। उसे हम IDE सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो बेसिकली हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हम सिंपल सा नोटपैड ओपन किया और वहाँ पे ये कोड लिख के बाद में हम सेव करके इस तरह से HTML एक्सटेंशन देके हम सेव कर देते हैं और बाद में ब्राउज़र में जाके हम उसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपका हेलो फ्रेंड जो है वो लिखकर आ गया। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि आपका टाइम जो है वो बहुत ही वेस्ट होता है और आपको बार बार यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप करके सेव करके ब्राउज़र पे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका टाइम जो है वो बहुत ही वेस्ट होगा। तो इसी तरह ड्रीम व्यूअर जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी वेबसाइट जो है वो इजीली रेटे क्रिएट भी हो सकती है। तो चलिए हम ड्रीम व्यूअर के बेसिक इंट्रो के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रीम व्यूअर को ओपन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ओपन किया तो टॉप पे एक मेनू बार दिखाई देता है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट, यानी कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वेबसाइट के अनुसार ये मेनू वहाँ पे वर्क करेगी। यहाँ पे एक आपको टूल बार का लिस्ट दिखाई देगा, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन है, सेटिंग है। तो मान लो कि आपको कोई नया फाइल क्रिएट करनी है, तो देखो यहाँ पे फाइल में जाके न्यू पे क्रिएट करके आप HTML, CSS, JavaScript, PHP ये सभी फाइल जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। मान लो को मैं ये फाइल क्रिएट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे फाइल भी क्रिएट हो गई। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिर्फ लिख के यहाँ पे रन करना है। तो यहाँ पे आपका काम इतना ईजी हो जाता है कि यहाँ पे आपका लिख कर सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे उसका रिजल्ट देखना है। तो हम जो ब्राउज़र ओपन करते हैं और कोड करते हैं इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन ड्रीम व्यूअर जो है वो वहाँ पे हम कोड भी वहाँ पे करेंगे और उसे रन भी यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से आप चाहे इतनी फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली ये उसका स्ट्रक्चर है। मान लो कि फाइल में न्यू कोई नई फाइल है तो ओपन कर सकते हो, क्लोज, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट कोड, डिज़ाइन नोट्स, एडिट, व्यू, अलग अलग व्यू आते हैं यहाँ पे, लाइव, डिज़ाइन, वो सब, इंसर्ट, यहाँ पे आपको एक पूरा क्लियरली डिव, इमेज, हेडिंग, टेबल, वो सब आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके ही दे देंगे। मान लो कि टेबल पे क्रिएट किया तो आपको ये भी यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन सा लेफ्ट, टॉप, बोथ, नॉन, इस तरह से ओके करके आपको देखो यहाँ पे आपका एक टेबल जो है वो इजीली रहते हैं क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको कोड नहीं करना पड़ा। तो इसी तरह आपका इजीली जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो जाती है, टाइम भी बहुत नहीं लगता और उसके बनाए हुए ये बेटे कोड आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरह टूल्स, फाइंड साइट, मान लो कि कोई आप बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं तो एक नई न्यू साइट ही क्रिएट कर लेते हैं, साइट नेम, बाद में उसके अंदर ही आप न्यू फाइल रखेंगे। तो बेसिकली ये था ड्रीम व्यूअर का इंट्रो।
सिंपल सा यहाँ पे कोड करके आपको यहाँ पे रन करना है। तो ड्रीम व्यूअर जो है वो आपका टाइम जो है वो बहुत ही सेव करता है। मान लो कि नोटपैड में आपको 15-20 घंटे लगते हैं, वो ड्रीम व्यूअर में शायद आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे। इस तरह से ड्रीम व्यूअर जो है वो बहुत ही फास्ट सॉफ्टवेयर है। उसकी एक मान लो कि आपने यहाँ पे फास्ट लिखा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फास्ट भी लिख कर आ जाएगा। यानी मान लो कि आपने यहाँ पे कोड लिखा तो यहाँ पे रन होगा, यहाँ पे आपने कुछ लिखा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ड्रीम व्यूअर जो है वो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा सा सॉफ्टवेयर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।